ये बॉटल में क्या है, इतना डिसकलर्ड सा पानी, लेट मी एक्सप्लेन। तो एक ना बड़ा वो चल रहा है एनर्जी ड्रिंक का, क्या चीनी नमक जिंजर और लेमन मिक्स करके पानी में डाल दूँ तो उससे वो अच्छी एनर्जी ड्रिंक बनती है, तो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग। जिंजर के पीसेस फ्लोट हो रहे हैं क्योंकि श्रेड करने का मन नहीं था, होपफुली दिस विल गिव मी मोर एनर्जी। अभी एनीवे मैं सुबह नहीं मतलब दोपहर को आया हूँ, 12 बज रहे हैं, 11-12 बज रहे होंगे, एक सेकेंड, ओ 12। इसको पीने के बाद हम कार्डियो करेंगे, जी हाँ कार्डियो, राइट क्यों नहीं, कार्डियो स्किप नहीं करना चाहिए। चलो आई जस्ट ड्रिंक दिस एंड बी बैक। मेरा वो पीने की वीडियो तो बनाने की जरूरत नहीं थी, एक्चुअली नॉट दैट बैड, टेस्ट करूँ तो काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग हो गया है। तो ये थोड़ा सा गीला गीला इग्नोर करो, हाथ पोंछ दिया था मैंने टी शर्ट पे। चलो टाइम फॉर 10 मिनट्स ऑफ कार्डियो आई गेस, ये तो स्पीड अप ही कर दूंगा मैं कार्डियो करना। कार्डियो वाला पार्ट विल बी डैली स्पीड अप, 10 मिनट तो मैं मेरे भागने की तो देखने की जरूरत नहीं है, 6 पे कर सकता हूँ। Everything's still cool. Being me, I can't lose. I know you're getting confused. They like, how you do it so smooth? Gotta stay in tune. With your lover, can't lose it. Say 9, say 10. Make sure you gon' lose it. I can see you wanna vibe with me. Just say you wanna vibe with me. Feel like I won the lottery. You getting a lot of me. Why are you calling me? Is that why you calling me? Feel like I won the lottery. You getting a lot of me. I can see you wanna vibe with me. Just say you want vibe with me. Feel like I won the lottery. You getting a lot of me. Why you calling me? Is that why you calling me? Feel like I won the lottery. You getting a lot of me. Mixing different shades up. I look like a fall. Trap money, real money. Yeah, I want it all. I just take my best feelings, put it in a song. I know I was right, I know you was wrong. Yeah, I got a vision, let it capture in 4K. We forever young, you won't see me in no age. I'ma do what I want right now, I can't wait till it's too late. So, here apne stats abhi ke 10 minutes ho gaye hain, ab stop kar deta hu. 77 कैलोरीज 1 किलोमीटर, ज़्यादा कार्डियो नहीं करता मैं, स्पेशली ऑन चेस्ट डे। ओ भाई चलो ऐसा कार्डियो, चलो कार्डियो डन। थोड़ा सा होगी थी मैंने ज़्यादा, तो क्लिप्स ज़्यादा आएंगी नहीं कार्डियो के, अब टाइम लैप्स तो डालूंगा, एक बार बीच में गिर भी गया था। चलो टाइम टू सेट अप, ऑलरेडी नो आज है चेस्ट डे और आज मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि शाम को किक बॉक्सिंग जाना है, उसके मुहूर्त में मैं थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट कर रहा हूँ अपना वर्कआउट। एक सेकेंड, मेरे पास एक आइडिया है, फ्रंट व्यू कलर बेंच ऑलरेडी लगी हुई है तो उसका ही उपयोग किया जाए। एंगल मस्त है ना, हाँ आज फ्राइडे वाला चेस्ट डे है, सो यू ऑलरेडी नो हैवी वार्म अप। मैं कार्डियो के इमीडिएटली बात कर रहा हूँ, अब इट अनऑर्थोडॉक्स बट इट्स ओके। दैट्स द वार्म अप, पसीना आ रहा है, एसी ऑन है फिर भी, इस टाइम टेम्परेचर चेक करके आता हूँ। बकवास थर्मोस्टैट, बट एक बात है आज एसी ऑन नहीं था स्टार्टिंग से, इसी ने बंद करा था, वैसे मैं नहीं करा था लास्ट वर्कआउट बंद, तो दैट मीन्स उसके बाद किसी ने वर्कआउट ही करा है। वेंसडे की बात है जो मैंने ये एसी बंद करा था, आज फ्राइडे है तो थर्सडे को कोई नहीं आया, वेंसडे को भी कोई नहीं आया क्योंकि सुबह करा था वो, उससे पहले और उसका व्लॉग आ ही रहा है डेडलिफ्ट वाला, और उसके बाद आज फ्राइडे को भी नहीं कोई आया,
बट अभी तो सुबह जल्दी हो रही है तो मेक सेंस। ये देख लो भाई फ्लैक्स, ये टी शर्ट पकड़ी हुई है इसलिए, वरना तो लूज लूज कपड़े हैं। चलो टाइम टू ब्रिंग द डंबल्स फॉर द नेक्स्ट सेट। आज ऑन स्टार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ले आया। ये वाली कंपैरेटिवली लाइटर हैं बट पहला सेट उससे करूंगा आज। नेक्स्ट सेट में तो हैवी, इस सेट के बाद जो नेक्स्ट सेट होगा मस्त रेस्ट लेके फिर थोड़े से और हैवी वाले मारूंगा, वो जो हैं हैवी तीन चार प्लेट वाले, जिसमें तीन प्लेट है एक साइड पर, एक मिनी प्लेट। इसमें दो बिग प्लेट्स हैं, दो मिनी प्लेट्स हैं, तो ये एक लेवल कम है उनसे। मैं वैसे यही यूज़ कर रहा हूँ, एक्चुअली लास्ट वीक भी यही यूज़ करा था, इस वीक भी यही यूज़ हो रहे हैं। एक्सरसाइज गेट्स ईजियर बट वेट मूव अप करना हर एक हफ्ते इज लिल टू मच। हर हफ्ते इतने बड़े इंक्रीमेंट से तो नहीं जा सकता मैं ऊपर। नेवर माइंड, आज हैवी का टाइम है, एक्चुअली बड़ा इजी था ये, सो टाइम टू मूव टू ब्रेक। कैमरा गिर गया ना, इतना सा ज़्यादा इंटीमेट सा एंगल बन रहा है भाई, जिम व्लॉग बना रहा हूँ, कुछ ऐसा वैसा नहीं बना रहा। गिर ना जाए एक तो ये, ओ भाई ये देखो भाई, ये बेंच भी पाद मार रही है पीछे कर रहा हूँ तो। लेट मी ब्रिंग बेटर डंबल्स, 40 pound वाली भी है बट दैट्स टू मच। 30 pounds फॉर रेफरेंस, 20 kilo अप्रोक्स 20 है, थोड़ा सा कम है, 19 point something kgs होगा वो, 20 नहीं है एग्जैक्ट बट स्टिल सेम ही है, 20 ही मान लेते हैं, तो वो तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया अभी के लिए। इसका बार भी ऑल्सो काउंट एज, आई थिंक शुड काउंट एज 2.5 kgs, जो बार है उसका बीच में 5 pound का होगा, तो उसको भी 2.5 करके ऐड करेंगे मेन वेट में, तो तब दैट बी 22.5 आई मीन kg की डंबल, अगर हम उसको भी ऐड कर देंगे। जैसे ये है तो टेक्निकली 17.5 हैं बट अगर बार का काउंट करेंगे तो ज़्यादा है, दीज आर 20 देन। हाँ बेसिकली प्रेसिंग 20, नाइस। चेस्ट में सबसे मज़ा आता है चेस्ट डे में, आर्म्स तो मैं अलग से ट्रेन नहीं करता, मैं तो साथ में ही करता हूँ ऐसे बोल लो, तो आर्म्स का तो ऐसा मैं कमेंट नहीं कर सकता, ये एडिट करने में इतना टाइम लगा देगा ना व्लॉग। एक तो कार्डियो ने एक्स्ट्रा 20 मिनट आई मीन 10 मिनट डाल दिए हैं, 10 मिनट बहुत होता है ट्रस्ट मी एडिटिंग में, वो 10 मिनट को भी क्लिप्स निकालने में, वो भी मोबाइल पर कर रहा हूँ मैं, अभी मेरा पीसी पैक हुआ है ऑब्वियसली, एक थोड़ा सा टाइम लगा जाएगा, इट शुड बी श्योर इन 1 week, सो तब तो मैं गॉड लेवल पीसी एडिटिंग कर पाऊंगा, ऐसी होगी बट ज़्यादा जल्दी होगी, मुझे ऐसी टाइप की पसंद है, कर सकता हूँ इससे बेटर एज यू हैव सीन प्रूफ इन माय ओल्डर वीडियोस, बट आई वुड प्रेफर के ऐसी सिंपल एडिटिंग रखूँ, ज़्यादा डोपामाइन ओवरडोज भी करना है हर एक वीडियो का। सही डंबल है ना, ऑलवेज डबल चेक, सही डंबल है, पता चले ज़्यादा फोर्स लगा के जितना चाहिए होता है 20-20 वालों के उतने में उठाओ और पता चला 5 kg वाली थी, फिर कुछ पुल हो जाता है अगर ज़्यादा जोर से कुछ उठाते हो, पुटिंग टू मच फोर्स। एक सेकंड भाई, डंबल एडजस्ट करके रखो, ये सस्ती किस्म की है, पता नहीं क्या हो जाएगा। लेसन इज नो मोर कार्डियो बिफोर लिफ्टिंग, ऑब्वियसली ज़्यादा ही रेप्स आए थे लास्ट टाइम से, आराम से उड़ रहा था वेट, देखा ऐसे ऐसे जा रहा था, बट इट वॉज डेफिनेटली हार्डर देन वॉट आई एक्सपेक्टेड, एंड वाइल माई मसल्स आर टायर्ड, माई CNS डेफिनेटली इज, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा नॉट आउट हो जाता हूँ बीच में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स कि तुम्हारी मतलब वैसे 2000 years later। चलो थोड़ा सा
आंख में चला गया, डंबल से कुछ पाउडर सा निकला, आंख में चला गया। चलो आई लव यू, कंटिन्यू। लास्ट वीक का पीआर कंप्लीटली शैटर्ड, ऑलमोस्ट डबल रेप्स कर लिए, 7। आई एम नॉट गोना गो फॉर अनदर सीएनएस अगेन। अब तो मस्त आंख में चला गया, उससे सेट रुइन हो गया, वरना मैं कर भी लेता। हट गया, हाँ हट गया। वो डंबल में से पेंट पाउडर निकला सीधा आंख में, लाइक इसलिए मैं चिल्लाया था। वो मोमेंट तो स्लो मोशन करके दिखानी पड़ेगी, तो ये पार्ट ऑफ द सेट विल बी इन स्लो मोशन, जस्ट टू शो के क्या हालत हुई थी। अब वी आर गोना गो फॉर इंक्लाइन, 3 सेट हो गए। मैं ऐसे ही थके जा रहे हैं, कार्डियो नहीं कर रहा मैं अब मसल, आई मीन वर्कआउट से पहले। वो ये कौन सी झाड़ भरी एनर्जी ड्रिंक है, कुछ ना एनर्जी आ रही, थक रहा हूँ। और बस मैंने आज ब्रेकफास्ट भी बड़ा गंदा सा खाया था, ज़्यादा कार्ब्स नहीं थे। और सेट अप, इंक्लाइन बेंच का सेट अप। एक्चुअली थोड़ा सा कम इंक्लाइन ताकि चेस्ट पे फोकस पड़े, और फॉर दिस एक्सरसाइज आई गेस आई एम जस्ट गोना यूज दैट सेम डंबल। और आज ना डिक्लाइन प्रेस नहीं करूंगा, न्यू एक्सरसाइज आई नो करी नहीं है, बट डिक्लाइन जरूरी है, लोअर चेस्ट थोड़ी सी लैकिंग है अभी, तो उसको ठीक करने के लिए। सेट वन, दैट वाज अ नाइस सेट एक्चुअली, फील हुआ मसल्स में शॉकिंगली। तो हेल वाज दैट, आई थिंक कार्ब्स कम खाए ना इसलिए कुछ दिख रहा है, मुझे वो डिब्बा पे कोई दिख रहा है, कोई है नहीं, नहीं ना भाई। सेकंड ईयर अच्छा, वो कॉर्नर में टूटी हुई मशीन है ना, वो दिख रही है, ये भी अपने आप नीचे हो गया। ओह माय गॉड, अब तो अभी जिम होती तो पता नहीं यहाँ पे हनुमान चालीसा चलेगी भी नहीं, ऐसा रीजन लॉक तो होगा। एक और बार गिरा ना तो भूत गया। अब करो कलर क्यों चेंज हो जा रहा है मेरे ऊपर लाइटिंग, हाँ इतना डार्क क्यों है, एक्चुअली इतना है भी नहीं। हाँ बस तो परफेक्ट लाइटिंग। चलो लेट्स गेट बैक टू द सेट। This was a quality set. एकदम abs भी tight करने पड़े थे last rep के लिए, already know man, फिर मुझे abs flex करने पड़ रहे हैं तो how bad it could be, क्योंकि ऐसा आदत नहीं है abs flex करने की। पहले मैं ना abs completely flex रखता था to the point where they have deteriorated, अगर थे भी ना तो अब आने नहीं है, जितनी मैंने हालत ख़राब कर दी थी। और बैक का पोस्चर भी गलत रखता था, अब बात करने के लिए बैक सीधी रख सकते, आगे आना पड़ रहा है। अच्छा एटलीस्ट हैम, आई मीन लोअर बैक थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही है। और हैमस्ट्रिंग्स को हैमस्ट्रिंग्स क्यों बोलते हैं, दे आर नॉट मेड ऑफ हैम, डू दे हैव द सेम टेक्सचर एज हैम, नो
तो हैम स्ट्रिंग्स बोलते क्यों हैं? हैम तो वो होता है ना, स्लाइस्ड पोर्क और बीफ, आई डोंट नो, मैं तो दोनों नहीं खाता, मुझे नहीं पता भाई, मुझसे रेड मीट इन जनरल नहीं खाया जाता उतना, अच्छा नहीं लगता मुझे, तुम्हारी चॉइस है तुम्हें अच्छा लगते, तो बीफ तो नहीं कर रिलीजियस रीजन्स, बट बाकी भी नहीं खाता वो, क्योंकि अबू धाबी में हूँ, प्लस मुझे डिस्गस्टिंग लगता है, मुझे भी डिस्गस्टिंग लगता है, तो मुस्लिम्स आर कुकिंग विद दिस वन पोर्क पॉटी खाता है, लैम्ब मुझे लगता नहीं है कोई पॉइंट है, लैम्ब मिल्क एंड चीज़ ऑलरेडी प्रोटीन दे रही है, तो उसे मार के खाने का ज़्यादा पॉइंट नहीं लगता, अगर कोई और भी खा, मैं सेपरेटली कुछ अपने लिए ऐसे मंगाऊंगा नहीं, अगर और भी कोई खा रहे तो खा लूँगा साथ में, बट वैसे नहीं, बीफ और पोर्क तो बिल्कुल नहीं, आई प्रेफर फिश एंड चिकन, वो भी फिश ज़्यादा, तो फिश की क्वान्टिटी ज़्यादा खा सकता हूँ, आई डोंट नो कि मैं सेफली खा पाऊंगा 200 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट, बट अगर मैं 200 या 300 ग्राम्स फिश भी खा लूँ ना कुछ नहीं होगा मुझे, दैट्स वॉट आई लव अबाउट फिश, फिलिंग होती है और लाइट भी होती है, 300 ग्राम्स खाऊंगा तो आई गेट 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, दैट्स क्रेजी इन जस्ट द फिश, मैं उसके साथ भी तो कुछ खाऊंगा जिसमें और प्रोटीन मिलता है, आज का ब्रेकफास्ट जो था मेरा उतना अच्छा नहीं था प्रोटीन में, इफ यू थिंक अबाउट इट, आई ब्रेक इट डाउन, वो एथलीट टाइप ब्रेकफास्ट था, 4 eggs विद मशरूम्स, दैट वॉज माई प्रोटीन, और दही उसके साथ थोड़ी सी, उसमें मैंने सीड्स डाले थे जो वो पम्पकिन चिया सनफ्लावर सीड्स होते हैं, वेरी वेरी हाई प्रोटीन सीड्स, वो वाले डाले उन पर, ज़्यादा नहीं डाले तो उनसे 1-2-4-5 ग्राम प्रोटीन आया होगा पर सीड टाइप, तो दैट इज़ 15 ग्राम्स एक्स्ट्रा बाय द वे, उसके साथ मैंने ऑरेंज खाया था, मैंने 10 आमंड खाए थे उसके साथ, और क्या खाया, हाँ दैट्स इट, घी लेना था बट घी भूल गया, और फिर उसके बाद मैंने एक राइस केक खाया था, टैंक पी थी, कुछ शुगर हो गई थी, अब फिर ये पिया है जिसमें एनर्जी ड्रिंक कुछ ना आए, कोई एनर्जी ना आए इससे, और थकान और फील हो रही है, मैं नहीं बना रहा फिर से, या फिर मैंने, हो सकता है मैंने नींबू वींबू या फिर वो जो डालना होता है वो थोड़ा सा कम डाल दिया होगा, ये भी हो सकता है, मे बी आई डेंट मेक इट पोर्टेंट इनफ, आई चेक दी एक्चुअल लाइक लेजिट रेसिपी, मैंने तो बस इंग्रेडिएंट्स इतने याद थे उतने डाल दिए, हो सकता है कि ढंग की रेसिपी नहीं हो, इफ़ यू नो द रेसिपी प्लीज़ कॉमेंट, मुझे बता दो, मैं कैफीन वैफीन लेता नहीं हूँ तो मुझे ऐसी वाली चाहिए चीज़ें चाहिए होंगी, मैं चाय कॉफ़ी भी नहीं पीता, अगेन कैफीन, कड़क चाय सिर्फ बाहर पीता हूँ थोड़ी सी, वो जो नन्न सिरप में आती है भाई वो भी कभी कभी पीता हूँ, हर बार नहीं पी पाता, मेरा डाइट बड़ी क्लीन है कम्प्लीटली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत तो हैं शुगरी वाली अनहेल्दी चीज़ें, बट डस्टमिन में शुगर इज लो तो आई हैव नो द चॉइस, अदरवाइज मेरी क्लीन रहती है डाइट, अब कोई अगर हेल्थ एक्सपर्ट आ जाएगा तो बोलेगा ओ बट ऑरेंजेस हैज शुगर, फ्रूट हैज शुगर, यू आर डायबिटिक, आई डोंट गिव अ शिट, सीरियसली शुगर से मत डरो, इवन इफ यू आर डायबिटिक, शुगर के टाइप होते हैं, ग्लूकोज, सुक्रोज, सुक्रलोज, फ्रूक्टोज टाइप समझो, पहले अपने आपको एजुकेट करोगे तो बेसिक 9th grade 8th grade वाली साइंस है, एक्चुअली यार यू शुड नो दिस, बेसिक साइंस है, उससे पहले की भी हो सकती है, तो ग्लूकोज इफेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, बट अदर शुगर्स आर स्टिल फाइन, बाकी सबकी उतनी ज़्यादा वो नहीं होती ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फ्रूक्टोज विच इज इन फ्रूट्स, हेंस द नेम फ्रूट, फ्रूट तो उससे तो नहीं होता, बट वो तो खाते ही हूँ, सुक्रोज सुक्रलोज तो होता ही है, होता ही है प्लांट्स में, दैट वाज रैंडम, बीच में करना पड़ता है सारा मूव सेट करने के लिए, चलो नेक्स्ट सेट, आई फॉरगॉट मैंने कितने करे, हो सकता है 3 करे हों, बट एक और कर लूँगा, मुझे याद भी नहीं रहता ना, एक तो डिफरेंट स्टाइल ऑफ गेटिंग इट ऑफ, तो स्कीपर्स बैठो, that was an average set, nothing too special about it, but yeah, ho gaya, I'm inclined bench ho gaya hai officially, isse zyada angle pe koi point nahi banta, ye hai 15 degree angle I think it is, 15-30 hoga, usse zyada fir chest mein kam, dekho itne pe karo na, itne pe chest pe kam focus, aur arms pe zyada padega, arm aur shoulder, shoulder hi padta hai, ab isko नीचे पे सेट किया जाए, ये हमारा है डिक्लाइन बेंच सेटअप, ये चीज भी कर सकते हैं एब्स के लिए, मसले डोंट टच इट, जस्ट लाइक स्टे अप, स्लाइड, डोंट टच इट एंड कम बैक,
होल्ड योर सेल्फ देयर फॉर 2 सेकंड्स, 1 or 2 सेकंड्स. ऐसे एब्स नहीं होते हैं फॉर दोज हुआर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वीक एट डूइंग एब्स. इससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है ये, तो आई वुड सजेस्ट मूविंग दिस पार्ट और दिस पार्ट ऊपर करके दिखा देता हूँ. तीन है ऐसे. ये वैसे ज्यादा ही हो गया. ये क्यों है एंगल? नहीं भाई, कौन यूज करता है ऐसा एंगल ऐसे? नहीं भाई, मुझे तो ऐसे लेट के बेंच प्रेस करनी होती है ना. स्पेस ट्रेनिंग के अलावा वो एंगल सच कोई पॉइंट नहीं बनाता. डिक्लाइन प्रेस में थोड़ा सा कम्प्लीट यूज करते हैं, तो वो से वाली डंबल्स निकाली जाए. अब आई होप आई बी एबल टू डू द वन दैट टेकिंग आउट. थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी. हेलो, चलो अभी के लिए फॉर नाउ पंप. ज्यादा है नहीं क्योंकि कुछ ट्रेन करा है नहीं अभी तक काम उसमें, बट फिर भी जस्ट हुई चेस्ट पंप ऑलवेज गुड. टेस्ट और बाल्ट सही लगनी थी. आई होप मैं ये कर पाऊँ. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस टू बी सो इजी. आज के लिए नो प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऑन दिस न्यू एक्सरसाइज. आई डोंट नो अगर कुछ भी कैप्चर हुआ फॉर ऑल आई नो. एक सेकेंड, वैसे हो तो रहे. एकदम से भाई ब्राइटनेस कम कर देगा. अच्छी नहीं लगती क्या ब्राइटनेस? मेरा मूड अच्छा नहीं लगा. अगर थोड़ा सा हैवी वेट होता तो इंजरी हो सकती थी. इसलिए जब आप एक न्यू एक्सरसाइज कर रहे होते ना, तो ट्राई टू अवॉइड डूइंग प्रोग्रेसिव ओवरलोड ऑन इट ऑन द फर्स्ट डे. ट्राई टू गेट एन आदत ऑफ द एक्सरसाइज देन डू. अनलेस मशीन है, मशीन में तो भाई दो ही करना है. करो मशीन तो सेफ्टी इक्विप्ड होती है. डंबल्स स्पेशली अगर आप अकेले हैं तो ऐसे मत करो. मैं प्रेफर मशीन करता हूँ यूजुअली. मैं तो आपने देखा नहीं होगा कभी यूज करते हुए. चेस्ट के अलावा आई प्रेफर मशीन यूज करना. द इशू इज के ओ या एक और सैड चीज़ भी बतानी थी. 3-4 महीनों के लिए जिम ब्लॉग नहीं आएगा. एक्चुअली इशू क्या है कि ये जिम तो अलाउ कर रहा है, बट जो हमारे जिस एरिया में जा रहा हूँ ना मैं, उसमें जिम का इतना लॉस है कि 15 साल का होना होता है. मैं हूँ 14.67, उस समय भी नहीं मानेंगे. उसको चाहिए दिन 28th August 2024 से पहले अंदर ना आने देंगे. चलो यू नो माई बर्थडे ना, हैप्पी बर्थडे विश कर देना उस दिन पे. मैं तो जिम ब्लॉग बनाऊंगा ही ना उसमें ही. जिम में काटूंगा प्रोटीन पाउडर वाला केक. चलो तो वो सही है, वो आने नहीं देंगे. एमिरेट्स आईडी दिखानी पड़ती है, लीगल स्टफ, अदरवाइज दे डोंट लेट यू इन. तो दैट्स द इशू. तो उसके लिए मैं क्या करूंगा ना, मैंने कैलिस्थेनिक्स में थोड़ा सा और सीखना शुरू करा. मेरा पुल अप बार भी हो जाएगा तो वो भी करूंगा, क्योंकि अब आई ट्राई टू लर्न मोर स्किल्स इन कैलिस्थेनिक्स. अभी 3-4 महीने, तो वाइल माई मसल ग्रोथ माइट not be as much जितनी मेरी अभी जिम में हो रही है, but I'll learn more calisthenics skills and the thing is it'll be easy. I'm not that bad at calisthenics unlike weightlifting. weightlifting में तो I am not the best yet because मैंने बहुत कम करी है. जिम तो मैं पहले भी गया हूँ, but फिर बीच में ब्रेक आ गई थी बहुत बड़ी, और अब एक और ब्रेक आएगी तो yeah. but calisthenics better हो जाएंगी, skills हो जाएंगी, और फिर इम्प्रेस करूँगा लड़कियों को. cap bro, I'm scared of females. कुछ ऐसा होता नहीं है. तुम कितनी भी बॉडी बना लो, एकदम सिक्स पैक एब्स और बड़े बड़े हाथ बना लो, कैलिस्थेनिक्स की सबसे सही स्किल भी सीख लो ना भाई, यू ऑल यू आर गोना डू इज इम्प्रेस द होमीज मैन. यू आर नॉट इम्प्रेसिंग नो गर्ल विद एनीथिंग. अगर करना है, अगर तुम्हें इतना पढ़ा है पीछे पढ़ना है, इतनी ज़्यादा डेस्परेशन है, तो लुक्स, हाइट, हेयर स्टाइल और पैसा, पैसे को ऊपर लगा दो. एक्चुअली सबसे पैसा, धन, मुनी, छचिंग, करेंसी ऑफ चॉइस, वो चाहिए होता है.
हाइट कंट्रोल में नहीं होती है, बट अगर आप एक्सरसाइज करोगे एंड इफ यूर माई एज 14-15 तो एक्सरसाइज शुरू कर दोगे तो हो ही जाएगी हाइट इवेंचुअली, बट मेरी भी हुई है बहुत ज़्यादा। मेरी 2023 के बिगिनिंग में कुछ 157 होगी, 2024 167 प्लस सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बढ़ाऊँ भाई 10 सेंटीमीटर बहुत है मेरे लिए अभी, मेरी एनी वे हाइट थोड़ी सी स्लो बढ़ी है पहले से। एज सच आई एम नॉट दैट शॉर्ट अगर मैं इंडिया स्टैंडर्ड से देखूँ, बट यहाँ पे पता नहीं कौन से स्टेरॉइड्स वाले बच्चे हैं लंबे लंबे से, आई डोंट नो व्हाई आई एम सडनली टॉकिंग सो स्लोली। अच्छा है थोड़ा सा कम धीरे धीरे बात करनी चाहिए, व्हाट आई हैव टू रिकॉर्ड नेक्स्ट सेट। डिस्ट्रैक्ट हो जा भाई, बत्ते कर रहा हेलो। अब एक और स्क्वाट, आई मीन डेडलिफ्ट सा, इतने वेट्स के साथ तो डेडलिफ्ट काउंट भी नहीं होता। मेरा सेट गिर जाता है, मेरा सेट तो खत्म ही हो गया। चलो ये वाला थोड़ा सा गंदा सेट गया क्योंकि आई टू गेट अप इन द मिडल टू फिक्स इट, सेट हो ही गया बट फिर जल्दी जल्दी रेप्स करके रख दिया। सो दैट वॉज माई डिक्लाइन चेस्ट प्रेस का सेट, आई एम नॉट एग्जैक्टली सेटिस्फाइड विद इट बट इट फील्स गुड, लोअर चेस्ट में एक्चुअली फील हो रहा है विच इज सरप्राइजिंग। अब हम करेंगे इसको ऊपर उठ के ही करते थे, ये वाले में ना ज़्यादा वो कर एडिटिंग कर रही है वो नहीं लग रही है, काफी सही बन रहा है। कर रहा था जैसे पता नहीं, ऐसे बैठा था हाफ क्रॉप पे कर रहा था सोना में बैठ के, अबे भाई लग रहा पीस ऐसे हो रहे चलो ऑब्जर्व बैड फॉर्म। यप टाइम अंडर टेंशन की बात करें तो लेट मी जस्ट डिक्रीज द वेट्स अ लिटिल ताकि मैं परफेक्ट फॉर्म पे कर पाऊँ। यप थोड़ी सी औकात के अंदर वाले भी ये ओ भाई डेल्ट्स देख रहे हो शोल्डर्स, लाइक पीपल विल लुक एट दिस एंड गो दैट्स नॉट नैटी डेल्ट्स रियल, ना एक्चुअली डेल्ट्स डोंट गेट नैटीयर देन दिस, प्लीज नैटी पे हूँ ब्रो, आईड रादर बी कॉल्ड नैटी देन डजंट टेक स्टेरॉइड्स, डजंट टेक स्टेरॉइड्स कुड बी अ डूड हू डजंट लिफ्ट, नैटी मीन्स अ डूड हू लिफ्ट्स एंड डजंट टेक स्टेरॉइड्स। Slipped up there bro, can't let people know I use 40 units of insulin daily, वो भी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब करी है because I'm diabetic bro। ये लोग जो स्टेरॉइड्स की तरह यूज करते हैं ना तुम्हारी वजह से प्राइस बढ़ा पड़ा है इंसुलिन का, मतलब यार आई होप तुम्हें भी फील हो कि तुम अफ्रीका में पैदा हो और मैं सारा पानी लेके उससे सारा ड्रिंकिंग वाटर लेके उससे नहाऊं फिर तुम्हें पता चलेगा। साथ ही डार्क हो गया ऑलमोस्ट एज डार्क एज द रेजिडेंट्स, कंट्रोल नहीं है, आई ट्राई नॉट टू बी टू डैंग बट हो जाता है, कंट्रोल नहीं होता, ऐसे जोक्स निकल ही जाते हैं। चलो शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर स्लाइटली बिगर देन माई राइट शोल्डर, ना नेवर माइंड बस वो ऊपर नहीं एंगल पे ऐसा है ना, नहीं शोल्डर सेम है बस बाइसेप का ही डिफरेंस रहता है सबसे ज़्यादा, कुछ बार पे भाई बार से बाइसेप करने का यही गलती होती है, मैं पहले वो इजी कर्ल बार लगा के करता था ना बाइसेप्स तो उससे शुरू हो गया, बाल मस्त हो रहे हैं फ्लफी, ये कटवाने हैं बट मैं क्या करूँगा ना, अमूल गिर माई साइड लोटे पर फिर ये सारे आगे एंड तो ऐसे थोड़े से छोटी वाले बाल जो होते हैं ना वो जो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे आते हैं, एक्सप्लेनेशन बाद में। अब रेस्ट टाइम मुझे पता नहीं हुआ है कि नहीं बट बिकॉज आई कुड डू 5 रेप्स विद दिस, ट्वेल्व रेप्स दिस सेट।
शोल्डर्स तो ये रहे हैं। नीचे काफी लोग चल रहे हैं अभी। इज इट अब लैटरल फेजेस का सेकंड टाइम चेक करो। 14 ओह दैट वाज क्विक। तो ये लैटरल फेजेस का सेट करूंगा एंड देन आई विल डू वन सेट ऑफ लाइक दोस आज अपर शिफ्ट मैंने दिखाने थे देन आई विल गो होम। ये ओवर फंडरिंग तो मैं ट्राइसेप्स तो बिल्कुल ट्रेन नहीं करता सेपरेटली, क्यों करूं क्यों ट्रेन सेपरेटली भाई? क्या जरूरत है? कोई ऐसी स्पेशल जरूरत तो नहीं लग रही? दिस प्रेसिंग ये सब कुछ पुश में जो होता है ना वो ट्राइसेप ट्रेन करता ही करता है। दैट इज द रियर डेल्ट्स बस ट्रेन नहीं करे मैंने। रियर डेल्ट फ्लाई होते हैं ना ना, मैंने एक न्यू कॉन्सेप्ट डिस्कवर किया है इसका कि एंगल भी होता है जो मशीन से यूज करते हैं ना वो एंगल बनाते हैं। जैसे जो लैटरल रेज वो मतलब ये वाली साइड ऐसे करते हैं, कुछ सोचा नहीं है कि ये वाला पकड़ के ही ऐसे क्यों नहीं कर ले? इट टर्न्स आउट कि वो एंगल मैटर्स, तो क्रॉस करके करना इज बेटर। तो एंगल सीधा एंगल नीचे से ऊपर ग्रेविटी से बेटर है कि साइड से जाए उससे बेटर होता है? आई नेवर न्यू। मैं मशीन नहीं यूज करता ये लूज टी शर्ट का एक फायदा है, मस्त पंप कवर है। एब्स तो ऑब्वियसली कोई है नहीं, एब रिवील नॉट हैपनिंग। ये लो भाई कोई चार्ट पर एब्स नहीं आते, वही तो स्टाइल है अपना। एब्स कौन करता है? नूब एब्स। रियल प्रोज डोंट हैव एब्स। एब्स एनीवे अनहेल्दी होते हैं टर्न्स आउट, अगर आपका ना वो बहुत लो बॉडी फैट चाहिए होता है एब्स के लिए एंड दैट्स एक्चुअली अनहेल्दी। तो मेरा है 16% है, 16-17 होगा, हेल्दी है, अंडर 20% इज गुड। मेरा आइडियल वुड भी 13-15, वो मेरा गोल है बट आई विल रीच दैट लेटर, एक साल बाद, बिकॉज अभी मैं बल्क करना चाह रहा हूँ। अभी आई एम ट्राइंग टू गेन एज मच मसल, मसल एंड फैट लॉस साथ में हो तो सकता है बट इट्स वेरी स्लो एंड द फैक्ट इज वो हाइट भी इफेक्ट करेगा। आई वॉन्ट बी टॉलर, दैट्स द इशू, दैट्स वाई। तो वो ही चीज़ है, मैं ये करता रहूँगा एक साल बाद। एनीवे हाइट बढ़ेगी तो फैट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मम्मी ने बुला दिया और किसी को भेजा भी है पिकअप करने के लिए, मतलब वो लाइक बताओ। तो आई विल गो अप नाउ, तो पंप चेक, अब जल्दी जाना पड़ रहा है तो ट्राइसेप्स में पंप तो नहीं आएगा। ओ माय गॉड, यो नेक्स्ट यू से आप पिक करता हूं। As you know, as I promised, मैंने बोला था ना कि मैं दिखाऊंगा अपना ट्रिक, ट्राई करूंगा। अभी मेरी हालत थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, थका हूँ बिकॉज आई जस्ट फिनिश माई वर्कआउट मैम एंड यू ऑलरेडी नो। तो एक्चुअली गया, देखा आई कैन डू। लोग ऐसे करते हैं वो भी होता है ऐसे, बट ऐसे डिफिकल्ट होता है, ऐसे बेटर रहता है, जस्ट भी इंगेज ज़्यादा होती है। एज आई टोल्ड यू मैन, यू लाइक कैलिस्थेनिक्स। व्लॉग एंड।